लोग चुनाव में घूमे हैं तो जो पता चल रहा है एनडीए चारों में से चारों सीट पर चुनाव जीत रहा है और बड़े मजबूती से एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। आखिरी दिन में जो लालू यादव जी का वहाँ पे चुनाव प्रचार हुआ उस प्रचार ने एनडीए की जीत को और सुनिश्चित कर दिया। एम्स बनना बिहार के लिए एक सपना था, आज जो हकीकत बन रहा है। बिहार विधानसभा के चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दरभंगा में आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो एम्स का उद्घाटन किया जाना है, शिलान्यास किया जाना है, उस तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष के द्वारा जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर बयान देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, आइए सुनाते हैं। को टेलीफोन के द्वारा जो कार्यकर्ताओं का न्यूज आ रहा है, आम लोगों से जो बातचीत, हम लोग चुनाव में घूमे हैं तो जो पता चल रहा है एनडीए चारों में से चारों सीट पर चुनाव जीत रहा है और बड़े मजबूती से एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे महागठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर। देखिए, आखिरी दिन में जो लालू यादव जी का वहाँ पे चुनाव प्रचार हुआ उस प्रचार ने एनडीए की जीत को और सुनिश्चित कर दिया, एनडीए की जीत को और ज़्यादा सुनिश्चित किया। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन राजद कह रहे हैं कि जमीन उनके कार्यकाल में दी गई। देखिए, एक बात जान लीजिए, आज बिहार के लिए और ख़ास करके उत्तर बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। उत्तर बिहार के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि आज उत्तर बिहार के दरभंगा के इलाके में हर घर में दीपावली जैसा माहौल। एम्स बनना बिहार के लिए एक सपना था, आज जो हकीकत बन रहा है। काफ़ी परेशानियां बीच में हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एम्स के लिए जो जगह भी जो चिन्हित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो जगह चिन्हित किया गया है उस इलाके को और आगे बढ़ाने के लिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। दरभंगा और विकसित होगा और जान लीजिए वहाँ पर तो DMCS जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 बेड का करने का काम किया। तो उस इलाके का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खास करके बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ कैसे किया जाए, उसके लिए हर रोज माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उस पर केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है, जिससे यहाँ पर एम्स भी बनने जा रहा है। देखिए, तेजस्वी जी तो अपने विपक्ष में रहते हुए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उन्हें भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस स्वभाव के हैं और उन्हें कोई हाईजैक कर सकता है कि नहीं हाईजैक कर सकता है। अगर वो लोग हाईजैक की बात करते हैं तो उनका राजपाट तो अभी तक चलते रहता है, थोड़ा सा 19-20 करने के बाद उनका राजपाट चला गया, ये तेजस्वी जी को याद नहीं आ रहा है। तो उनके कहने और कोई बात उनकी बात पे बोलना बहुत ठीक है। सर, पशुपति कुमार पारस का पार्टी कार्यालय का आज अंतिम दिन है स्टे लगने का, तो क्या उनको आप दूसरी जगह लौट करने की बात कर रहे हैं? उन्होंने पत्र भी लिखा है भवन निर्माण विभाग को। नहीं, वो तो कानूनी बात है, वो तो कानूनी बात है, बिल्कुल कानून के दृष्टिकोण। देखिए, उनकी पार्टी अगर राज्य की पार्टी या राष्ट्र की पार्टी रहेगी तो उनको दिया जाएगा, ये नियमाकुल बात है। जिस पार्टी को राज्य के द्वारा मान्यता मिलती है उसका 6% वोट रहता है, 5-6 विधायक रहता है, 3 सांसद रहता है, तभी मिलता है कार्यालय। ये तो बिल्कुल नियम और तर्कसंगत बात है, इसको नेट पे आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि इनको मिलता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, ये पूरा नियमावली बना हुआ है और इसको कोई भी देख सकता है। अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा परेशानी है तो सुनिए ना, हम उसकी पूरी नियमावली आप लोगों को उपलब्ध करा दें। तब इसमें पूछना क्या, तो इसमें पूछने वाली बात है। विभाग अपने नियम के अनुसार काम करेगा, कानून के अनुसार काम करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, पक्ष और विपक्ष सबके लिए कानून बराबर है। पर हाईकोर्ट ने तो आदेश, जल्द उस पर कार्रवाई हो रही है, बहुत सारी बात विभागीय
अंदर की बात होती है, अब उसको बहुत समय के अनुसार आप लोगों को सूचना दिया जाएगा और बिल्कुल कानून के अनुसार काम किया जाएगा, इसमें जरा सा भी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, जयंत राज ने कहा है बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए की जीत पक्की है, और ऐसे में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अंतिम क्षणों में जा करके विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव प्रचार किया है उससे एनडीए को फ़ायदा होना है, ना कि महागठबंधन को। इसके साथ ही उन्होंने एम्स के मामले में कहा है कि जिस तरह से उत्तर बिहार में एक बड़े एम्स अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सोच को दर्शाता है। नीतीश कुमार हमेशा बिहार को आगे और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है इसलिए वो अनर्गल तरह का बयानबाजी करते हैं। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।